बड़ा जैसे 2 मिनट यानी अपने राइट टर्न पे एक फार्म है मेरा, वहाँ आ जाए है ना समीर साहब। इससे पहले आज से पहले तो आपको पता नहीं था ना अंदर की बात, नहीं अब हकीकत पता चला है। हकीकत बहुत डरावनी है, है ना। तो ये चीज तो हम जैसे कारीगरों के हाथ में नहीं है, तो नए के हाथ में क्या, नए के हाथ में क्या होगी, है ना। एक्सपीरियंस बंदे की स्टोरी मैंने सुना तो कुछ जो 2-4 जगहों पे तो मैं स्पीचलेस हो गया, मैं सोच में पड़ गया कि ये क्या चल रहा है। समीर साहब तो अगर मैंने गलत बोला है, नहीं 100 जूते है ना, नहीं मैं घर में बैठा हूँ ना, मैं घर में बैठा हूँ, मेरे को समझ में आ रही ना चीजें, देख कर समझ में आता है इंसान को ना कि जो आदमी बोल रहा है वो दिख रहा है, खाली हवा में बात नहीं कर रहा है। तो जिसका मतलब मेरे को समझ में आ गई चीजें, मेरे दिमाग एकदम पिक्चर एकदम क्लियर है। तक तो जाया है, अब उसके आगे तो पासपोर्ट लगता है। तो खैर कोई नहीं, अल्लाह है इज्जत का देने वाला, अल्लाह है माल का देने वाला, सारी चीजें अल्लाह से यही उम्मीद है। बट आपके जानिब से एक बात कहना चाहता हूँ, कोई भी मेरा भाई अगर सीखना चाहे ना तो हमारे दरवाजे रात और दिन खुले, हमारे पास टाइमिंग नहीं है कि दोपहर में हम सोते ना, रात और दिन खुले हमारे पास आए, हम एक एक चीज सिखाएंगे और बिना पैसों के सिखाएंगे, बिना किसी हमारे फायदे के लिए सिखाएंगे। समीर भाई एक पॉइंट है कि लोग क्या करते पता है, फार्म खोलने से पहले मुझे 3 दिन का ट्रेनिंग ही दे देंगे। तीन दिन का ट्रेनिंग वो नहीं होता है भाई। जो जो स्टोरी सुना हूँ मैंने, वो 3 दिन में कैसा होएगा यार, मुंडी का पूछ कर। ये एकदम वाहियत बात है कि 3 दिन में कोई कैसे कुछ नहीं है, गोट फार्मर बन जाएगा। अब सीखो, मैंने आपको फार्म पे ही बताया था एक चीज कि हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, हमको ऐसा बिजनेस करना है, हमको 100 बकरे लाना है। मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ, पहले सीख लो बकरा है क्या। आपकी उम्र क्या है? मेरी अभी 27 है। 27 साल की उम्र जो होती है ना, बहुत लड़कपन की उम्र होती है। आदमी इसके अंदर ना बहुत डिसबैलेंस होता है, उसको मालूम नहीं होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। एक मतलब एकदम बहुत जल्दी बहक जाता है। लेकिन उस उम्र में ये बंदा दूसरों को पूछ रहा है कि तुमको पता है कि इसमें क्या होता है और तुमने सीखा क्या है, और अगर नहीं सीखे हो तो पहले सीख लो, वरना बोले आने दे 10 पेटी दिला दो बकरे। माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत बहुत कुछ कर सकता है अगर ये चाहे तो। एक बात बोलूं मैं, आपको 2.5 साल है ना जमीन के नीचे मैंने उसको रखा, और आज भी ये फार्म इन लोगों का है, मेरा नहीं है, मेरे भाइयों का है। मेरा अजीज मेरा बड़ा भाई है, इंशाल्लाह कभी आएगा ना मैं आपसे मिलाऊंगा, इंशाल्लाह ये इन लोगों का है आज। लेकिन ये हिदायत के साथ है बेटा, 2-3 चीजें अगर मुझे पता चल गया ना तो मैं मुंबई भी छोड़ दूंगा। मैं तुम पे जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर मैं ना दुनिया में जाके कहूंगा कि अरे मेरा बेटा नहीं। अगर किसी के साथ में तूने नाहक किया ना हक, अभी भी सुन ले, अभी भी ना हक अगर तूने किया और मुझे पता चला ना, तो उस दिन बाप बेटे का रिश्ता नहीं है, फिर तू तेरी जगह में। क्योंकि मर कर है ना 53 के आसपास में, अब आगे भी गया हूँ, बड़ी गंदी बीमारी से ग्रस्त हूँ मैं, बहुत गंदी बीमारी है मेरे जिस्म में। अल्लाह रहम करे, किसी भाई को दुश्मन को किसी को भी ना दे यार भाई। 2-5 साल पता नहीं कितनी उम्र है, मर कर अल्लाह के पास ही जाना है। दुआओं के साथ चले जाएंगे ना, अखलाक के साथ, तो बड़ा मजा आएगा। आज हमारी इंडस्ट्रीज को है ना इखलाक की जरूरत है। फेंक दे अपने अपने ईगो, अगर थूक दे, कसम से कह रहा हूँ मैं। अभी जैसे आपने जो बीमारी का नाम तो नहीं बताया, लेकिन बीमारी का जिक्र कर लिए, लेकिन अगर कोई आके पूछेगा और जानेगा ना, अभी फिर मेरे को वैसे ही वो जो फार्म पे सुन के लगा था, फिर वैसे ही लग रहा है कि बहुत अलग लेवल पे काम कर रहे हैं दोनों बाप बेटे, और बस इनको सपोर्ट ही की जरूरत है। सपोर्ट क्या, ये लोग सपोर्ट करने के लिए बैठे, सपोर्ट की तो कोई, हाँ हमने घाटा खाया शुरू में, हाँ तो हम नहीं चाहते किसी भाई का बर्बाद किए, घाटा नहीं बर्बाद, अपने आप को बर्बाद किए शौक के चक्कर में, हम नहीं चाहते। पीछे वो जो भाई हमारे इमरान भाई इनसे पूछो, हम किसी फार्म पे जाते ना, हम पहली बार तो बहुत बाईचांस जाते तो हम कभी अपने आप को शो नहीं करते कि मैं मुबारक खिलजी का लड़का है, मैं आदिल खिलजी, पूछे इनसे कभी नहीं। हम जाके देखते, उससे कुछ सीख लेते, उसको बता के आ जाते। सही है। सो अपना ईगो एक अलग तरह है, ये बहुत अलग है। आज बहुत कसम से बहुत सारी चीजें को समझ में आया कि गोट फार्मिंग क्या है एक्चुअल में। हम लोग एक सिर्फ है ना, इसको एक इंटरटेनमेंट के ही पर्पज से लेकर चल रहे हैं। बकरे आए, खरीदे, बेचे, ये मेरा बकरा, वो मेरा बकरा, फला फार्म पे मेरा बकरा, मेरे इतने बकरे, मेरा इतने का बकरा। अरे लेकिन जो ग्राउंड पे जो काम कर रहा है, जो सच्चाई, जो उसकी डार्क साइड पे काम कर रहा है,
आप है ना ट्रांसपोर्ट को बड़ा आसान मानते हो, ट्रांसपोर्ट की तो स्टोरी जोड़ कर आप जितने भी यूट्यूबर है वो अल्लाह करे आप सब एक एक गाड़ियों में बैठे मैं नहीं आऊंगा मैं नहीं आऊंगा सफर करके देखे आप रास्ते की जो परेशानी है ना रास्ते की परेशानी देख लोगे ना और अगर अल्लाह ना करे अगर उस परेशानी में गिर गए तो शायद आपको सांस नहीं आएगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ आपसे इत्तेजा है आप सारे भाइयों से 1 लाख वाले प्लेटफॉर्म पे आ जाए। अब दौर जो है ना बड़ा गंदा आ रहा है बहुत बहुत बहुत। देखिए किसी भाई के पैसे डूबे किसी ने खा गया मैं देखकर खुश हो रहा ना अल्लाह ना करे कल मेरी बारी आनी है तो अगर कोई हमारा भाई पैसे हमारे खा रहा है तो हम सब मिलकर ऐसा जाए उसके पास कि उसकी नानी उसको याद दिला दे कि हमारे भाइयों का तूने पैसे कैसे खा लिया। यह हक है ना बेशक बेशक होना चाहिए इस चीज पे गौर करे होना चाहिए। एक ट्रांसपोर्ट का मसला इतना आसान मान लिए जो रास्ते में सता रहे ना हमको जरा जरा एक बात बताए इंडियन गवर्नमेंट है ना इस चीज को ना बढ़ावा देती सब्सिडी देती है दे रही है ना जब हम इसे रोड पर लेके चलते है ना तो इमरान है ना मेरे साथ में सिर्फ 300 किलोमीटर का सफर किया है ज्यादा नहीं किया है उसने तौबा कर लिया था। आवाज जरा दो इमरान क्या बोले थे तुमने क्या बोले थे बोलो बिल्कुल अब नहीं आना है सिर्फ 300 किलोमीटर में जब हम रोड पे लेकर ये जान को चलते है ना तो दुनिया के सबसे बड़े 2 नंबर वाले हम ही कहलाते हैं है ना। ऐसा लगता है कितना गलत काम कर रहे हैं हम लोग हमें भाईजान हम होटल में बैठ के ना भरपेट खाना नहीं खा सकते। होटल वाला है ना आगे फोन करके बताता है कि गाड़ी ये बकरे की गाड़ी है पकड़ हम भरपेट खाना नहीं खा सकते मुश्किल से 10 से 15 मिनट रुक लिए बहुत बड़ी बात होगी किसी भी होटल पे 15 मिनट तो खाना आने में जाता है। इसी में यो इमरान मेरे साथ 300 किलोमीटर में एक खाना खाया है ऐसे पूछो हम गाड़ी कैसा पार्क करते हैं पता है बिल्कुल होटल में हमारी नजर के सामने ऐसा यूं हम खा रहे यहाँ प्लेट हमारी इधर है हमारी नजर वहाँ है कि कोई चोरी ना कर ले हमारे जानवर को कोई फोन करके ये नहीं बोल दे कि यहाँ बकरे बताओ आप मुझे एक बात बताओ। अरे हमें हिंदुस्तान की गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है हमारी स्टेट गवर्नमेंट हमें आगे बढ़ा रही है कि आप आगे करें आप गुड फार्मिंग में आइए और हमारे साथ इतना गंदा सुलूक कि दुनिया का सबसे गंदा काम हम कर रहे हैं। लाफे भाईजान मार खाया मैंने आपको वीडियो दिखाया है मेरी मेरे बदन के कौन से हिस्से पे प्लास्टर नहीं था आप बताए ना आप बोलिए समीर साहब पूरी पीठ पे प्लास्टर देखा हूं मैंने तो मैंने मार खाया है। तो भाईजान आज तो मेरा माल था मैंने मार खाया पता नहीं कितने मेरे भाइयों के साथ में मैं गया और ये परेशानियों को झेला हूँ मैं चोरी के मसले और उसके बाद भी फिर अगेन तैयार हो जाते कि भाई चलो मैं मेरा बैग खड़ा है मैं तो अभी मैं बैग दिखाऊंगा वीडियो के एंडिंग में। एक बात कह रहा हूँ समीर साहब कब तक चलेगा ये नहीं उसका माल पकड़ेगा ना उसको वो फंसा है ना एक दिन तुम्हारी भी बारी आ जाएगी मेहरबानी करके सब हम भाई है इखलाक के साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए अपनी की यूनियन बना आप यकीन मानो हम करोड़ों की तादाद में हम छोटे मोटे नहीं अगर हमारी यूनियन बने ना अगर हम ए बोलेंगे ना इंशाल्लाह हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भी ना हमारी सुनवाई होगी। हम हक और हलाल का धंधा कर रहे हैं हम बेईमानी चोरी नहीं कर रहे लेकिन हमें कर दिया क्या है बड़ा चोर बना के बिठा दिया है। तो क्या हो गया था हमारे इखलाक नहीं थे हमारे इखलाक बना ले नया भाई है भाई मेहरबानी करके पहले तो इलाज सीखे इलाज के बाद में इसे पालना कैसा वो सीखे इसके बाद इसकी कॉस्टिंग क्या आती है तुम्हारे इधर वो सीखे वो तीनों को कैलकुलेट करके कारोबार करें नहीं तो अगर कोई भी एक चीज कमी दिखी है पहले फुर्सत में पीछे भाग जाओ नहीं तो तुम कुछ नहीं करोगे अपने माँ बाप के पैसे जाया करोगे अपने भाइयों के पैसे जाया करोगे अपने यार दोस्तों के करोगे पैसे को जाया वेस्ट हो गई कैसे भी होगा होगा कर ले लेना। समीर साहब आप मेरे घर आए अल्हम्दुलिल्लाह कितने साल से आप इस लाइन में हो YouTube मैं 2019 से हूँ लगभग है ना अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में वीडियो बना लिए इतनी खुलकर किसी ने बात किया आपसे आज से आपका फर्ज बन गया है अब हर वीडियो में ना एक इलम की बात जरूर डालोगे लेकिन देगा कौन आप जिस किसी के पास भी जाओ तो एक शर्त रख देना भाई कुछ नॉलेज शेयर करना पड़ेगा ताकि पता चले हम भी तो वीडियो बनाते एक डालते देखो आखिरी में कहीं ना कहीं बीच में डाल देता हूँ है ना कि भाई ये कर लो बुखार के बारे में मैंने आपके वीडियो में चार किस्म की बुखार बता दिया लोगों को समझ में आ गई गौर करें इस चीज पे अगर गलत कह रहे हैं तो जूता आपका सर हमारा है। अच्छा माशाल्लाह बात करने के लिए समीर भाई बहुत है। एक घंटा कम पड़ गया 1 घंटा 10 मिनट हो गया है बकरीबाजी में ना बोलने लगे ना तो आपको पूरा दिन 8 दिन तक बोल सकते हैं 8 दिन तक ना खुद से लेके सिंह तक
और दूसरा एक मैं बात क्लियर करूंगा कि बहुत से लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि जैसे ये फला फार्म वाला बकरा नहीं मार, मेरे बकरे मर गए, तो कोई भी गोट फार्मर ना जानबूझ के नहीं मारता यार, नहीं मारता, कोई नहीं मारता, बेचारा अपनी मेहनत कर रहा है। एक बार बकरा बीमार सीरियस कंडीशन में बकरा एक बार रख के तो देखो उसके दिन, और मैं देखता हूँ अशरफ भाई को कि होश फाकता रहता है, मतलब वो आदमी सोचता है कि मैं क्या करूं? मेरे समझ में नहीं आ रहा समीर भाई ये हो रहा है। समीर भाई दो बकरे अगर जानवर की वीडियो आ गई ना बैक टू बैक, तीसरी के पहले वो बंदे को फोन करके बोलते हैं भाई मैं रस्ते में हूँ, मत भेज मैसेज मेरे को टेंशन मत दे, मैं रस्ते में मैं आ रहा हूँ फार्म पर। ऐसा मैंने देखा है ना हमारा फार्म यादा हॉस्पिटल है भाई, है ना, लोगों के बकरों के मुफ्त इलाज करते हैं हमारे यहाँ पर। अभी आप ये वीडियो में बोल रहे हो लाइन लगेगी यहाँ, गलत कह रहे हैं तो बता, हमारे नया नहीं, हम तो कह रहे हैं हमारे तो दरवाजे 24 घंटे खुले आए हमारे यहाँ पर यार भाई, हम बैठे जितना इलाम में उतना तो सिखा ही सकते हैं ना। और ऐसा ना सोचे कि मुझे अगर मुबारक खिलजी जी जी जो है ये अगर यहाँ नहीं है तो इलाज कौन करेगा बकरे के, ये पार्ट टू इधर रेडी है। हमारे घर में तो बेटियां है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, वो इतनी माहिर है इलाज की, तो पूरा दिन कॉल रहता है समीर भाई इनसे पूछो इलाज के लिए, पूरा दिन लोगों का। असल में रात में 2:30 बजे भी उठा के मैं जवाब देता हूँ। ये देखो इसके भी नई नई शादी है, जैसे हनीमून पे जाना है, 6 महीने तो हो गए अभी शादी, बाहर घूमने नहीं गया है। ये देखो मेरा व्हाट्सएप है, उसी भी इलाज ही चलता है इसमें। अच्छा उसी भी इलाज है, अरे बाप रे बाप रे बाप, इलाज है। कितने मैसेज मैं लोगों मेरे को टैग कर दिए ना, अभी इस पे इलाज के ऊपर ही मैसेज देखो, इसी भी ऐसे इलाज के ऊपर है क्या आदिल भाई, थोड़ा इसके ऊपर बताओ, ये बीमारी के ऊपर बताओ, मतलब पूरा अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें, ये इंजेक्शन क्या काम करता है, क्या काम करता है, सबको सबके ऊपर है। देखो मेरे को जो इल्म मिला फ्री में मिला है तो मैं फ्री में बांट रहा हूँ। देखो अल्लाह का शुक्र है, बड़े से बड़े गोट फार्म बहुत ऐसे हैं जो हमारे से जुड़े हैं, रात की 2 बजे भी फोन आते हैं, हम इंशा अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मदद में खड़े रहते हैं हमेशा। यकीन नहीं होगा भाई आपको, मेरी वाइफ और मेरी अम्मी से पूछो, रात में 2:30 बजे भी फोन आते हैं, और बहुत फोन आते हैं कि लूज मोशन हो रहा है, कोई कोई तो ऐसे भी लूज मोशन है रहा भाई क्या करे, पर सबको जवाब देते हैं, सबको देना बहुत जरूरी है। देखो मैंने आपको चीज बताया था, जब मैं कोई इलाज नहीं आता, मैंने नया नया फार्म खोला था तो मेरे बकरे बीमार हुए थे, पीपीआर हो गया था सबको, तो मैंने ना बहुत से फार्मों पे धक्का खाया, भागा था मैं, उम्मीद से भागा था, तो मेरे को कहीं से भी कुछ मदद नहीं मिली, तो आज मेरे को फोन आते हैं ना तो मैं लोगों की मदद के लिए खड़ा रहता हूँ कि सामने वाला बहुत उम्मीद से फोन किया। एक्चुअली मैंने आपको नाम लिया डी वार्मिंग, है ना, बड़ा सरल नाम है, इसके ऊपर अगर मैं बनाए ना आप और हम सब कोई भी मेरा भाई अगर आ रहा है और वीडियो बनाना चाहता तो डी वार्मिंग का एक एपिसोड बन सकता है। एपिसोड एपिसोड खाली तुमने पिला दिया या इंजेक्शन लगा दिया तो इससे ही नहीं होता है, एक्चुअली में वो कहाँ तक घूमता है, ब्लड में कैसे जाता है, ब्लड के कैसे मरते हैं, ब्रेन के कैसे मरते हैं, पेट के कैसे होते हैं, आंत के कैसे होते हैं, लॉन्ग वर्म्स, हुक वर्म, टेल वर्म्स, काफी नाम है, म्यूजियम है, एक्चुअली में एक म्यूजियम है ये, अगर आप पेट फाड़ के बकरों का अगर देखोगे ना अंदर कीटा जो कीड़े वो एक म्यूजियम है, तो इस पर एक पूरा एपिसोड बन सकता है। आपको ऐसा यकीन होना चाहिए कि इसको ये वाली बीमारी है, ये सिम्टम्स है और अब मैं ये एंटीबायोटिक से इसको ठीक कर सकता हूँ। यस, ब्लड की अगर आप पढ़ोगे ना, अगर ब्लड के बारे में हम बात करें ना आप और मैं, तो 8 से 9 एपिसोड, अरे बाप रे बाप रे बाप, रूमन के ऊपर बनाए ना तो 15-15 दिन तक हम बना सकते हैं रूमन के बारे में। कैसे करेंगे फिर, प्लान करो कभी भी, मैं तो कह रहा हूँ ना मेरा कोई भी भाई, कोई भी मेरा भाई मेरे दरवाजे खाली मुझे कॉल कर दे, मैं आ रहा हूँ लेने के लिए, किस मुद्दे पे बात करना है मैं करने तैयार करेंगे इंशाल्लाह। अब आज से आपको एक आपका फर्ज हो गया है कि पलाई के जो वीडियो बनाते हो, अल्हम्दुलिल्लाह सबका हक है पैसे कमाने का, देखो कोई भी इंसान है, सवाल कर ले आप लोग, मैं आप पे डालता हूँ, कर लोगे सवाल क्या, ये डिफिकल्ट सवाल रहने वाला है, क्या पूछते हो भाई आप, गुड पलाई कर रहे हो, फीड क्या देते हो, क्या चार्जेस ले रहे हो, वैक्सीनेशन इंक्लूडेड है, वैक्सीन का क्या है क्या नहीं, ये सब आज से ना सवाल ये किया करो कि मेरा 50 किलो का बकरा है उसको आप पर डे कितना ग्राम फाइबर दोगे, अरे बाप रे, कितने ग्राम उसके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट दोगे और कितने ग्राम प्रोटीन दोगे,
तो जिससे मेरा बकरा बैलेंसिंग होगा, ये जवाब पूछ लेना। आपको जवाब नहीं मिलेगा कहीं से भी। मैं चने देता हूँ, चने में कितना प्रोटीन होता है ग्राम के हिसाब से, एक बॉडी में ज़रूरत उतनी होती है। एक्चुअली में आप ये सवाल, ये चीज़ नोटिस किया करो कि वहाँ पर जो बकरा सबसे ज़्यादा कूद मार भाग रहा है ना, वो एनर्जी है, वो रियल है फैक्ट। आपका बकरा चार कदम नहीं चला, आपने लग गया, पाँच मिनट नहीं खड़ा हुआ, बैठ गया। अब उसको बोलते हो क्वालिटी है ये? अच्छा, एनर्जी देखे ना आप, बकरा उछलता कूदता जैसे अपना बकरा उछल कूद रहा है, तुम बराबर प्रोटीन फाइबर दे रहे हो। मतलब इतना जानदार होना चाहिए, वो खेलना कूदना चाहिए, ये कोई मांग रहा है क्या? वल्लाह कह रहा हूँ, अगर मैं बकरा पलवाऊ ना तो मैं ये क्यों भाई फैट के पीछे नहीं भागना, मेरे बकरे में एनर्जी पूरी डाल दे तू। बस वेट गेनिंग चाहिए कोई मतलब नहीं है। ये मैं, क्योंकि मैं अशरफ भाई के साथ में खुद जुड़ा हूँ और ना मैं 4 से 5 दिन अक्सर करके हम लोग पूरा पूरा वीक भी साथ में होते हैं, तो मैं देखता हूँ कि मेरे सामने फोन आता है, भाई मेरे 2 बकरे हैं पलाई पर भेजने का, इतना इंसिस्ट करते कि भाई मेरे बकरे से तुम्हारे फार्म पे पलेंगे, तुम खूटे पे बांध दो, तुम इधर बांध दो, तुम उधर बांध दो, ये होता है लिटरली। मैं अपनी सुनी हुई बात बता रहा हूँ लाउड स्पीकर पे, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए लाउड स्पीकर ऑन करके बात करते हैं, मैं सुनता हूँ। अब जब जैसी बकरा पहुँच गया फार्म पर, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3रे दिन हुआ, भाई जरा वो मेरे बकरे को केज में डाल दो ना बाहर जरा जमीन ठंडी है ऐसा। फिर केज में डाले तो भाई एक दिन विजिट करने आ गए, भाई मेरे पहले था वर्ड क्या, मेरा बकरा सिर्फ तुम्हारे फार्म पर पलना चाहिए, अब मेरे बकरे का वेट क्यों नहीं बढ़ रहा है? पहले तो तुम उसको सर पे चढ़ा रहे हो क्योंकि तुम इतने इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए कि मेरा सिर्फ बकरा तुम्हारे फार्म पे जाना चाहिए, बाद में तुम उसी आदमी से सवाल कर रहे हो। ये वीडियोस लोग देखते हैं ना माशाल्लाह, सारे भाइयों के देखते हैं, आपसे जुड़े हुए मैं एक बात कह रहा हूँ, आ रही है ठंडी, अब आएगा नरवाइन का जो सबसे बड़ा मसला है ना, पैरालिसिस का आएगा, चल रही है, तो मेहरबानी करके हमें कॉल करे, शर्माए ना, अपने नाम को गुप्त रख दे, हमारे इधर तो कुछ नाम आना नहीं किसी, ठीक है? अगर ऐसा लग रहा है वाकई वल्ला हम कुआ है, हमारे पास तो पता नहीं कैसे कैसे फार्म वालों के राज हमारे अंदर पड़े, अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े हुए, मेहरबानी करके पूछ ले, हम इलाज बताएंगे, नसों का असल इलाज इंशाल्लाह। ये अजहर भी बताएगा कितने घंटे में लकवा ठीक होता है, मैंने सामने सामने देखा ना, जो बोलते ना एक्सपीरियंस मैटर, और जो इनको पता है, मैंने सामने उधर देखा, जो आपका बकरा एक था बैठा हुआ था, बकरा मतलब ऑलमोस्ट पकड़ लिया था उसने, तो इन्होंने बोले थे थोड़ी देर रुक जा और उसके बाद जवाब देना, और दिमाग इनका, तरीका इनका, मैं सामने, उन्होंने 10 मिनट मेरे ख्याल से हट ली, 10 मिनट देखिए कैसा है ना कि पहले तो जब नसों पे असर आता है तरीका, तो पहले दिन आपको पता चलना चाहिए, वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन जो है ना, ऊपर मैंने कोंकण में एक भाई का वीडियो है, वो उस पर मैंने पूरी डेफिनेशन दिया था उनको, तो आप पहले नसों पे ना गौर कीजिए, आपका बकरा किस तरीके से खड़ा हो रहा है, है ना, इन सारी चीज़ों से अगर आपको बचना है, 12 से 15 ग्राम मिनरल मिक्सचर पर डे देना शुरू कर दो अपने जानवर को। बस बात कैसा है कि बीमारी शुरू में पकड़ ली जाए ना, पकड़ लेना तो अच्छा है। पहले टाइम पे पकड़ा था तो हमने 1-2 ग्लूकोज में है ना, और दाल कर ना उसको खड़ा कर दिया और भाग गया। जानवर अपना सिम्टम दिखाएगा जब बीमार होने लगे, पैरालाइज का पहले सिम्टम दिखाएगा, वो एक हफ्ते पहले सिम्टम दिखाने लगेगा कि मैं अभी पैरालाइज में जाऊंगा, हाँ शुरू में आप बीमारी को पकड़ो, तुम पूरा थर्ड स्टेज पे जाने के बाद सोचोगे कि हाथ पैर काम करना बंद हो गया ना, फिर वहाँ जाके आपको ना बड़ी तकलीफें आएगी, फिर उसके लिए बड़े मेहनती वाले इलाज है, वो शायद नहीं कर पाते, शायद खुद की औलाद होती तो कर लेता वो, जानवर है ना, नहीं करेगा वो, बहुत अच्छे ये चीजें। और 12 से 15 ग्राम मिनरल मिक्सचर मेहरबानी करके सब लोग खिलाए, और कम से कम उसके पीछे ना मिनरल मिक्सचर के ना 24 कंटेंट जरूर देख ले, 12 तो मिनरल्स देख ले और 12 ही विटामिन मिनिमम हो, 36 कंटेंट वाला मिल गया, 40 वाला मिल गया, वो तो और भी बढ़िया, कहाँ मिलेगा, नहीं 42 तक आते है बेटा, बहुत कम है अगर ढूंढे तो, लेकिन 24 कंटेंट होना जरूरी। ये 12 से 15 ग्राम अपने जानवर को फीड में कैसे भी उसकी बॉडी में डाल दे, इंशाल्लाह
शाइनिंग में कमी नहीं आएगी, एनर्जी में कमी नहीं आएगी, ह्यूमन पावर उसका इतना स्ट्रांग हो जाएगा, वो बीमार नहीं होगा, सारी बीमारियों से लड़ेगा। और इंशाल्लाह जब आप जीवा करोगे ना तो 2.5 किलो खून मांगता है ना। दूसरा समीर भाई पॉइंट ये है कि पैरालाइज वो जानवर को पकड़ेगा ना जो पहले से बीमार हो या वो पहले कोई बीमारी से उठा है। ओके, तंदुरुस्त जानवर को पैरालाइज जल्दी नहीं पकड़ेगा, जो कभी बीमार नहीं हुआ वैसा। ओके, ये पहले बीमार था कमजोरी जैसा, 3 महीना पहले बीमार, समझ गया, कमजोरी से उठा या निमोनिया से उठा है, बकरा एनीमिक है, ये जानना बहुत जरूरी है। जो जानवर बीमारी से उठा है ना उसको पहले ये पकड़ती बीमारी। हाँ यार, क्या बात है, साल लग जाएगा आपको, साल अगर इसको पढ़ने जाओगे ना इसकी गहराई तो अब तक गैकूद गोते लगा रहा है उसकी बोला। ये तो अभी इनसे ह्यूमंस के ड्रग्स कौन से ऐसे जो इनमें काम आ सकता है, मैं तो दिन रात की स्टडी ये कर रहा है और मुझे 4-5 साल हो गए जंगलों में घूमते। आपके वीडियो पे ये बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि मेरे इधर बकरे नहीं मरते, सब जगह वायरल बीमारी आती है, पर मेरा जानना, मैं रीजन खोजता हूँ हर चीज के पीछे कि क्यों हो रहा है। अपन बकरे वगैरह पलाई वलाई पे नहीं रखते ना, किसी का इलाज करने के लिए आ रहा है बकरा, इलाज करके वापस उसको छोड़ देंगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका पैसा लेंगे। इनके दरवाजे बंद है, अब दरवाजे बंद है, अभी मेरे पार्टनर के पार्टनर ने अभी बिजनेस शुरू किया है, है ना, अभी लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए अपने, लेकिन अलायदा इलाज करना है ना तो ये बैठा है आधी रात को, मैं बैठा हूँ, मुझे बुला ले 2-4 दिन के लिए, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे इधर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ, मैं चाय में बिकता हूँ यार, मैं इससे सस्ता तो तुमको मिलेगा। मैं नहीं आ सकता फार्म के बाहर, क्योंकि आपने देखे ना, मैं वो जानवर संभालना पड़ता है, मेरे फार्म पे कोई जानवर लेके आ गया ना मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करता हूँ उसके लिए। लेकिन मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जानवर का जो भी इलाज का हदिया है वो जरूर दे दे। समीर भाई तुम यकीन मानो कि जब हम बकरे पालते थे ना, अपने खुद के बकरे 30-40-50-60 तक भी पहुंचे, दूसरों के बकरे आते थे, अब अपना क्वारंटाइन रूम नहीं था, वो देखो इमरान भी गवाह है, लोगों के बकरे ना बीमार रखते थे, उसका ठीक होता था, बाद में हम लोग अपना लेके दौड़ते थे 1 महीने तक इलाज के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज होता था, फिर 20,000 की दवा मेरे को लगानी पड़ी। एनर्जी से मैं आपको आखिरी में एक बात कहते हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो गया, बहुत बड़ा होते हैं 1.5 घंटा, तो 2 पार्ट में कर लेना इंशाल्लाह। आपको एक बात बता रहा हूँ, एक चीज ध्यान में रखे, आपके बकरे में अगर एनर्जी है ना, मैंने 10 दिन है ना, लेकर जाने वाला इमरान है मेरे बकरों को और बाड़ा अजहर का है मीरा रोड पे, 10 दिन हमने मंडी में खड़े रखे थे हमारे बकरों को, और कोई भी बकरा ना 100 किलो से नीचे का नहीं था, और लोग मीरा रोड की मंडी में आते थे स्पेशल हमारे बकरे देखने के लिए। आज के 2 साल पहले की बात है, हमने एक एग्जीबिशन लगाया था लोगों के मनोरंजन के लिए कि आए और लोग देखे बकरे और एनर्जी देखे, ठीक है, और फिर वापस हम यहाँ लेकर आए हमारे बकरों को, कोई बीमार नहीं, कहते हैं ना लोग मंडी में जाने के बाद बकरे बीमार नहीं हुए। 2021 की कुर्बानी की बात है, मेतड़िया मंडी की बात है। अच्छा, लेकिन जाने वाला इमरान है अपनी गाड़ी में और बाड़ा इनका है, अजहर का है ना, और अब मैं वहाँ बैठ कर टाइम पास वाला, मजे लेने वाला और ये इलाज करने भागने वाला, तो ये हम लोगों के 10 दिन हमने रखे है, 10 दिन के बाद हमने हमारे फार्म पर लाया है, कोई भी बीमारी नहीं, कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारा काम था उस एनर्जी का, ये याद रखना, जो हमने वैक्सीन किए हुए थे, वैक्सीनेटेड थे, प्रॉपर पाले हुए थे, कायदे से था हर चीज, तो ये प्रॉब्लम नहीं आई। चलो देखो क्या हो जाता भाई, हम लाख रुपए का बकरा ले रहे पर 500 रुपए की वैक्सीन नहीं लगा रहे, जरूरी, लाखों का बकरा खरीद रहे, 20 लाख का बकरा खरीद रहे पर 500 रुपए की वैक्सीन नहीं लगा रहे, हो गया 20 लाख का बकरा भी, 20 लाख के बकरे, बकरे इन्होंने बकरा बोला बकरे, तक पहुंचने वाला है थोड़ा, 3-3 लाख 20 हजार के बंदो, मेहरबानी करके बकरे को बकरे तक रहने मत करो, मत इतना करो, छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूँ अगर कोई चीज तुम्हारे बूते के बाहर है ना, छोड़ दो, हासिल ना करे ना, छोड़ दे, इस बाजार को नीचे लाए, जरूरी है, बहुत जरूरी है। कोटा है ना आज बूते के बाहर हो गया है लोगों के, छोटे मतलब एक मिडिल क्लास इंसान का शौक नहीं कर सकता, कोटा कोई खरीद नहीं सकता आज की बात, पहली बात तो पूछने से डर जाता है कि इसका प्राइस क्या मांगू, तो पूछू क्या, और आज तक नहीं पूछा भाव, कोटे का भाव नहीं पूछता ही नहीं, मालूम है अभी 50,000 के 50 किलो के बकरे का मांग लेगा 50,000 की, जो अपने को पसंद आता है वो 3-4 लाख रुपया बोलते हैं उसका, अच्छा
जैसे क्वालिटी में हमको तो 3-4 लाख रुपए रेट बोलते हैं, 3-4 लाख में मेरे फार्म के बकरे भर जाएंगे और अच्छे खासे भर जाएंगे, अच्छे खासे माशाल्लाह। सो ये चीजें है, 1.5 घंटे का वीडियो हुआ, तुम लोग बोले तो कंटिन्यू कर दे, नहीं तो इसको एंड कर दे। हाँ, 2 या 3 पार्ट जो भी पार्ट होगा इसको मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा पार्ट्स में डिवाइड करके डालूंगा, समझ में आएगा लोगों के। ठीक है, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे घर पे आए। मेरे को शुक्रिया बोलना चाहिए कि मैं आज एक अवार्ड जीत गया माशाल्लाह भाई की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह। जरिया था, मुझे पता नहीं था कि मैं आपके यहाँ पर आ रहा हूँ, जब इन्होंने मुझे पिकअप करे मैं बाइक पे बैठ गया ना, तब मुझे बता रहे कि समीर भाई अपन कहाँ जा रहे हैं मालूम है, मैं बोला कहाँ जा रहे हैं, तो बोले हम लोग यहाँ फार्म पर जा रहे हैं। इनके जो बड़े भाई है ना सानू भाई, वो मेरे भाई है, मेरे बड़े, मेरे हमदर्द है एक्चुअली, में हमारे जो रोना धोना है ना दोनों भाइयों का सेम है। हाँ सेम, हम लोग आपस में रो धो के एक दूसरे के आंसू पोंछते है। तो मेरे फार्म पर है ना एक हिस्सा ऐसा है जो इन लोगों के नाम पर है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कभी ये नहीं सोचा इन लोगों के बारे में कि भाई पूरी आजादी है। देखो एक चैनल पे तो मैं भी आता हूँ, एक चैनल पे मैं भी प्रमोशन कर सकता, मैं बोल सकता हूँ मेरे ना मेरा भाई तेरी चीज है, तेरी मेहनत है, तेरा पैसा है, तू मालिक, मैं कौन, मैं कुछ नहीं, मैं अलग ना, मेरा फार्म जरूर है, मेरा भाई है, मैं शानू जो है वो मेरा भाई है, ठीक है ना, मेरे भाई से बढ़कर है मेरे लिए, और अजहर तो मेरे बेटे जैसा है ये, तो इसको तो मैंने भाई माना ही नहीं, हमेशा बेटा ही रखा है, ये इनकी चीज है। और आज जो चीज आपने इनको वीडियो में दिखाया है वो इनके ही है, तरक्की दे, कामयाबी दे, और क्या है, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, सही है। और ना तो मैं यूट्यूबर भाई ना मैं गोट फार्मर हूं, मैं कुछ ही नहीं, एक अलग बंदा हूँ, ठीक है, मस्ती वाला बंदा, मरने पे आ रहा हूँ बुढ़ापे में, है ना। तो अपने पूरे कर रहा मैं, लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी सेहत के लिए दुआ करें, और इनको जो हिम्मत जो है ना, हिम्मत में और ज्यादा इजाफा दे, ताकि ये ऐसी कंटेंट हमारे लिए लेकर आते रहे, बेशक है ना। और जिसको जिस किस्म की गोट फार्मिंग से रिलेटेड जो भी ज़रूरत है, हेल्प चाहिए, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। इन्होंने 24 घंटे का बोला है, लेकिन मैं बोलूँगा सिर्फ 12 घंटे में कांटेक्ट करें, सोने दो, क्योंकि है हकीकत में, यहाँ रात हो रही है ना, हाँ वहाँ दिन होता है। बेचारे करते हैं ना मुझे कॉल, मैंने आपको मेरा शोकेस दिखाया है ना, हाँ दिखाया, कपड़ों से भरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये अब्रॉड से, मेरे बेटों की शादी में आए लोग अब्रॉड से भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, बाहर से है, विदेश से, मेरे बेटे की बेटी की शादी में आया है भाई, जिनको मैंने कभी देखा नहीं था, बस कोई इंडिया में बहुत अलग अलग कोने से आए बेचारे, तो तू 4-4 दिन हमारे साथ में रहे भाई, माशाल्लाह, अल्लाह का एहसान है। तो मेरे सारे भाई है भाई, कभी भी कॉल करते कुछ नहीं है, दिल से तो उठकर ही बात करना, कर लेंगे आप लोगों से बात, कर लेंगे। चलिए आपका बैग दिखाते, ये तो दिखाना ही है ना, लाजमी है ये, ये बैग मेरा एनी टाइम पैक रहता है, ऐसा तैयार पड़ा हुआ रहता है हमेशा। हाँ, जब अभी जैसे आपने मेरे को वहाँ पे फार्म पर भी बोले, समीर भाई जैसे अभी आप मुझे बोलोगे कि मैं आपको 4 बकरे लेना है, आप मुझे बोलोगे अभी चलने, तो मैं अभी चलने को तैयार हूँ। मेरी आइडिया है, चेहरा तो ना दिखाया, आवाज सुना दे इसकी खाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये ऐसे ही है, कपड़े तैयार रहते हैं एनी टाइम, कोई भी मेरा भाई फोन कर ले, बकरे तो है ही है, बीमारी के इलाज के लिए बड़े फोन आते हैं बहुत। आप ऐसे ही बीमारी के लिए भी आउट ऑफ मुंबई चले जाते हो? ऐसे मैंने मेरी बेटी का मैंने आपको मिसाल दिया है ना कि शादी की शॉपिंग कर रहा था मैं, वैसे भी चले गया था, बेशक वो तो पता है। वो है सारी चीजें, इलाज के लिए तो भाई मैं रात की 3 बजे छोड़ कर जाना पड़े, मैंने इसे ना ऐसी हालत में छोड़ कर गया हूँ कि मैंने जाने के 3 घंटे बाद उसको हॉस्पिटलाइज किए और मैं इलाज के लिए गया। अच्छा, मैं इसने मुझे एक बात बोली थी कि मुझे देखने के लिए ना 10 है घर में, ये मुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे, आप वहाँ जाओ, उस भाई को ना बड़ी जरूरत है। अरे यार सलाम है आप लोगों को यार, हकीकत में यार रात भर का मेरा सफर मेरा भारी हो गया था, मैं रात भर सफर करके वहाँ जब गया था तो वहाँ 90 जानवर बीमार थे भाई की PPR में थे, और बहुत बेचारा परेशान था, बड़ा दुख में था वहाँ जाने के, मैंने 5 दिन वहाँ रहा और इलाज किया, और फिर उन्होंने अपने इमाम जो है वहाँ पर, अपने बड़े इमाम है, उनको बातें बताए सारी चीज़ें, फिर उन्होंने बोला कि यार वाकई में कोई बंदा तेरी मदद के लिए आया है, तो उन्होंने मुझे एक तोहफा दिया था जो शायद मेरे लिए दुनिया में ना बड़ी अजीम है, वो मैं मेरे मरते दम तक मैं कभी कहीं पर ना पहनूंगा ना दिखाऊंगा, मतलब दिखाऊंगा लेकिन मैं ऐसे ना ऐसा बड़ा हिफाजत से रखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ।
बहुत हिफाजत से रखता हूँ पैसे। ये देखिए, ये उन्होंने मुझे तोहफा दिया था इलाज करके 5 दिन की मेहनत के बाद में, और ये बड़ी अजीम चीज है उनके लिए, बड़ी अजीम है। और सर की टोपी तो बड़ी अजीम होगी, सर का ताज है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई जान, अब इससे बढ़कर इससे और क्या होगी, क्या कहाँ से देगा नवाज़ी का। बड़ी इज्जत नवाजी है, मैंने आपको दिखा दिया, बड़ा शौक है दूध लगाने का। लगभग दुनिया के कोने से मुझे दूध की आ चुकी है, हर जगह से आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बैग एनी टाइम तैयार, ये बैग एनी टाइम तैयार रहता है। आप इनको कॉल करें, ये बैग उठे और उठाए और निकल गए। कल भी मैं निकल रहा हूँ, कल भी सफर में निकल रहा हूँ, हमारे भाई है इस बिजनेस में, आप देखिए ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह गुजराती भाई है हमारे, सिंधी भाई है ना, मारवाड़ी तो हम है ही है। जब सिंधी इस बिजनेस में आ गया ना, आप समझ जाओ इसमें कितनी तरक्की और कितनी कामयाबी है। सिंधी अगर इस बिजनेस में आ गया ना, तो आप ये देख ले कि बिजनेस कितना बड़ा है, अगर ये बात है सच्चा है ना। क्योंकि मैंने मेरी पूरी जिंदगी है ना हार्डवेयर बिजनेस में निकाला है, तो मुझे बिजनेस के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, तो इससे आप सोच ले समीर साहब कि बिजनेस कितना बड़ा है। बिजनेस तो बहुत अच्छा है, और ये चीज को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ। मैं भी हमेशा बोलता हूँ कि इसको हमेशा ईमानदारी से करें, सच्चाई से करें, और अपनी जात से किसी को तकलीफ ना हो, और अगर कोई तकलीफ में है तो उसकी थोड़ी बहुत तो मदद कर दे, है ना। क्योंकि ऐसा होता है कि मेरे चैनल से भी कोई चीज़ बिकती है ना, तो मैं हमेशा, आज आपके यहाँ पे भी मैंने शूट किया, मैंने 2 वीडियो शूट किए, दोनों में मैंने बोला कि यहाँ आओ देखो पसंद करो उसके बाद सौदा करो। लेकिन लोग क्या होते हैं, भरोसा हमारे पर भी कर लेते, तुम्हारे चैनल से देखा समीर भाई ट्रस्टेबल बंदा होगा, मैंने ले लिया। अभी परसों ही मुझे कॉल आया था, मैंने सीधा वो बंदे को अगले बंदे से कॉन्फ्रेंस में ले लिया, मैंने ले बात कर, हो गया मसला हल हो गया। लेकिन क्या होता है, लोगों को भी एकदम भी ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना चाहिए, पहुंच जाए देख ले, थोड़ा टाइम ही टूटेगा और कुछ नहीं होगा, थोड़ा खर्चा होगा। देखिए ये लेने वाले के ऊपर भी निर्भर है, और देने वाले की भी जात पे निर्भर है कि वो कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है। इतना कर ले, वीडियो आपने बना गए, ऐसा तो है नहीं कि आप लाइव वीडियो दिखा रहे हो दुनिया को, 1-2 दिन बाद में एडिट करोगे। जिस भाई को लेना है वो क्या करे, उस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कर दे वीडियो पर, क्या वो मुझे लाइव दिखा दे, है ना। शायद कहीं पॉलिशिंग आप देख रहे हो ना, जमीन पे 100-100 की वीडियो बना रहे, 37 इंच के बकरे को 47 इंच भी बना रहे, हाँ, उससे बचे। हाँ तो लाइव देख ले, सौदा हो गया है, लाइव करे, गाड़ी में ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो लाइव वीडियो देखे, सीएस कर ले आप, कर ले थोड़ी सी मेहनत, क्योंकि पैसा आपका है, आपकी मेहनत का पैसा है वो, तो आपको ये कर लोगे तो कुछ मसला नहीं है, आप ही का फायदा है इसमें है। बाद में हैरान होने से पहले थोड़ा पहले हैरान हो लो तो बहुत अच्छा है। और एक चीज मैं और कहूं समीर साहब, आपके चैनल के माध्यम से कि आप जो वीडियो बना रहे हो ना, तो आपकी गारंटी नहीं है कि प्रमोशन वीडियो के ये माल बिकेगा, ये तो सारा निजाम उस रब के बे ये हो, ये बोले ना आपने, मैं देख चुका हूं बहुत कम, आप मेरे तो गिनती के कोई 2-4 वीडियो, वो भी ऑन बिहाफ ऑफ फहद भाई मैंने शूट किया है, क्योंकि उनके पास नहीं टाइम होता था। मैं तो पहले जाके ये बोलता हूँ कि भाई देख ले मेहरबानी करके, ये जरूरी नहीं है कि वीडियो YouTube पे आ गया तो माल बिकेगा, माल बिकेगा तेरे माल तेरे क्वालिटी पे, तेरे रेट पे, और सबसे पहले तेरी नियत पे, तेरी नियत कितनी साफ है। तो ये भी आप पहले बोले लोगों को, मैं तो भाई जैसे ना, अगर कोई मुझे नापता है ना किसी चीज में, किसके चैनल से माल नहीं बिक रहा है, तो मैंने उसको फिर कभी ऐसा ना उतना इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया भाई, उसको एज ए कस्टमर ही ट्रीट करता हूँ मैं, कि तुझे बस, तुझे एक यूट्यूबर चाहिए ना, तो तू भी मेरे लिए एक मेरा क्लाइंट ही है। हाँ, और ऐसे भी लोग हैं जैसे अशरफ भाई है, शफीक भाई है, और अपना एक सोहेल भाई है चेंबूर वाले भाई, 2-4 ही लोग ऐसे इस इंडस्ट्री के अंदर है जिनको मैं बोलता हूँ कि ये मेरे भाई है। ये अगर मुझे बोलेगा ना कि समीर भाई आज मैं पेमेंट नहीं दूंगा, तो मैं मना भी, पैसा मांगता भी नहीं। क्या बोलोगे आप ये, अरे भाई समंदर है ये, मुझे रिश्ते में क्या बोलोगे, बड़े भाई है मेरे भाई ना, बेशक बेशक चाहिए, बाकी और कुछ नहीं, बस। सो ये सारी चीजें है गोट फार्मिंग के, बहुत सारे आगे बहुत वीडियोस आएंगे इंशाल्लाह, आज तो पहली वीडियो थी, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे जब भी यहाँ पर आए, एक रिंग करूंगा मैं आप लोगों में से किसी को भी,
अवेलेबल रहेंगे, एक वीडियो शूट करेंगे। आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी मेरा भाई नया यूट्यूब पर अगर बनना चाह रहा है ना, या उम्मीद रखता हूँ तो आ जाए मेरे पास। कंटेंट भरपूर है यहाँ पर, बहुत है माशाल्लाह, क्योंकि सबका हक है सबको मिलना चाहिए, अल्लाह ताला सबको दे। और मेरा तवक्कल यही है कि अल्लाह रोजी देने वाला है, बेशक अल्लाह आपकी रोजी छीनकर मुझे नहीं दे रहा है, अल्लाह मुझे मेरी रोजी दे रहा है, बेशक। तो ऐसे कुछ तत्व है, बोलते ना अराजक तत्व मार्केट में जो कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे जो मेरा अल्लाह मुझे रोजी दे रहा है ना, शायद उसके हिस्से की रोजी दे रहा है, तो ये उसकी गलत फहमी है इंशाल्लाह। हाँ, और समीर साहब अल्लाह आपको तरक्की दे, आमीन 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 आमीन। अभी भी मैं प्लीज आखिरी बार हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ सारों से भाई, एक प्लेटफॉर्म बनाए, आ जाओ, एक और एक यूनियन जरूरत है, बहुत जरूरत, क्योंकि आप ग्राउंड पे काम कर रहे हो, आपको सच्चाई मालूम है, इसलिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। इसके लिए लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे अमल कर लें, जो भी इत्तेफाक है, ना इत्तेफाकी है, जो भी है, बैठ के सॉल्व करें। एक यूनियन माल आपका है, सुनिए मेरी बात, माल आपका है, और रात की 2:30 बजे आपके माल के साथ में मैं हूँ, और मुझे घेर कर मार रहे हैं, मैं भी बीवी बच्चे वाला हूँ, अल्लाह ने मुझे भी औलाद वाला बना है, लोग मेरे लिए दुआ है, मेरी फैमिली हकीकत में कह रहा हूँ, लोगों ने पत्थर दिल बना लिया है। जब मैं बैग उठाता हूँ ना, तो कसम से कह रहा हूँ, ये बच्चे ना आने तक की उम्मीद रखते और रोते हैं कि अल्लाह करे हमारे वालिद को या मेरे शौहर को, मेरे भाई को अल्लाह लंबी जिंदगी दे। तो भाई ने मजाक नहीं है, एक यूनियन बन जाए कि और पता चल जाए कि भाई मैं यहाँ तकलीफ में हूँ, तो दसियों कॉल यहाँ से जा सकते हैं। ये इंडस्ट्री के अंदर ऐसे कोई छोटे मोटे लोग भी नहीं है, भी ग्रुप वाले अगर बोट फार्म वाले अपने ग्रुप बनाए और दवाइयों के बारे में बड़ा डिस्कस करना शुरू करते आपस में, आपस जो जो मशवरा रिजल्ट आ रहा है वो डाल दे वीडियो, इसको ना देखे कि नहीं मैं तो 20 साल से हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है, मैं ना कोई शायद पीछे से आया हुआ साल 6 महीने का कुछ ज्यादा पता हो, तजुर्बा है, अल्लाह ने उसमें इस्तीफा दे दिया, सीखे ना, सीखो, सही भी बना, सही सही सही, दवाइयों का, इलाजों का, परेशानियों का ऐसा कुछ मिला कर बनाए, सही, अल्लाह ताला सबकी रोजी, अल्लाह ने माँ के पेट में थे तब बना तब दे दिए, ये ना समझ लोगों को कौन समझाए, नहीं सोचना चाहिए। एक क्लोजिंग कमेंट के साथ अपन वीडियो क्लोज करते हैं, 1 घंटा 36 मिनट की वीडियो बन गई है ये, तो आपका क्या क्लोजिंग कमेंट है इन सारी बातों से अलग, और फिर इस वीडियो को क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। मैं अभी भी एक बात कह रहा हूँ, अपने जज्बे को, अपनी मोहब्बत को एक तरफा रखे, एक बकरा लेके पाल ले, मेहरबानी करके इस लाइन में जब आ रहे हो ना, आप लोग फेस नहीं कर पाओगे इसकी मुसीबत, इसकी परेशानियां, मैं सच कह रहा हूँ, आप यकीन माने ये इतना आसान नहीं है, नहीं है, नहीं, खुदा के लिए पहले अपने आप को इतना इलमदार बना ले, तैयार कर ले अपने को हर किस्म से, फिर हिम्मत है, मादा है कड़वा चबाने की, वल्लाह कह रहा हूँ सारों को खड़ा कर देना लाइन से, दिल पे हाथ रखवा देना, सब यही बोलेंगे पहले पहले सारे कड़वा, अगर कड़वा खा कर और सबर की अगर है गुंजाइश तो आ जाए इंशाल्लाह, फिर आज अल्लाह ताला पूरी जिंदगी तरक्की भी देगा, आबादी भी देगा, आबाद भी करेगा माशा, लेकिन आसान नहीं है, आसान नहीं है, सो इसके लिए तैयार हो जाए, ठीक है। सो गाइस ये वीडियो क्लोज करता हूँ, माशाल्लाह काफ़ी मज़ा आया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अपनी, ठीक है। सो मैं नंबर आपका स्क्रीन के ऊपर दूंगा, चलेगा ना, किसी के भी रिलेटेड मैं आपका नंबर दे दूंगा, तो लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है अभी सफर पे चले हो आप, तो नहीं नहीं मेरा सफर में मोबाइल चालू रहता है, चालू रहता है ना, ठीक है ठीक है। सो ये वीडियो क्लोज करता हूँ, ट्रक चलाऊंगा उस वक्त मैं थोड़ा नहीं उठाता हूँ, मैं ध्यान रखता हूँ, ठीक है, थोड़ा हमारे को भी वहाँ से कुछ भेज दो, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, चल मैं मिलता हूँ अगले व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।